Hey guys, in this video I will teach you about the depository concept. बल्कि पूरा का एक तरीके से समझ लो कि summary पूरा इस chapter का मैं पढ़ा दूंगी, जो कि last time जब last minutes होते हैं आपके पास exam से पहले, तो आप उसे revise कर सकते हो. Okay, so start करते हैं. इससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि depository की अच्छी weightage है, ये compulsory है कि आता ही है. पिछले टाइम भी आया था, उससे पहले भी आया था, और इसकी मिनिमम 4 मार्क्स का तो आता ही है, और 8 मार्क्स का भी आता है. पिछली बार 8 मार्क्स का आया हुआ था ये. तो इस वीडियो के थ्रू आपको सिंप्लीफाइड वे में अच्छे से डिपॉजिटरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. डिपॉजिटरी होती क्या है? डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक एजेंसी है जो कि आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करते. लाइक कैसी सिक्योरिटीज? शेयर्स हो सकती है, डिबेंचर्स हो सकती है, बॉन्ड हो सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स. तो ये सारी सिक्योरिटीज है. ये किसकी सिक्योरिटीज को होल्ड करती है? इन्वेस्टर्स की. हम लोग फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्टर्स हुए, ठीक है. तो किस फॉर्म में होल्ड करती है? जो मेन चीज है इसमें वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है सिक्योरिटीज को, ठीक है. तो मतलब क्या कॉन्सेप्ट था डिपॉजिटरी को लाने का, कि आप जो पेपर वर्क जो आपका रहता था इन सिक्योरिटीज के लिए, उसको हटा देना, कि इलेक्ट्रॉनिक वे में आप ऑनलाइन आप उसे इन सिक्योरिटीज को होल्ड कर रहे हो. वो बेस्ट ऑप्शन रहता है, वैसे काफी बेनिफिट है, टाइम भी सेव करता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, राइट. सो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना किसके रिक्वेस्ट पे? इन्हीं इन्वेस्टर्स के रिक्वेस्ट पे. किसके थ्रू होता है ये? ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो ये चीज संभाल रही है, लेकिन बीच में तो कोई एजेंट होगा ना जो काम कर रहा होगा एक्चुअल में. सो होता है थ्रू अ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी थ्रू विच इट इंटरफेस विद द इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विस. ये डिपॉजिटरी के, ये जो फर्म, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एजेंसी है, इसके वो क्या करते हैं? एजेंट होते हैं, और ये इन्वेस्टर्स के साथ इंटरफेस करते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डिपॉजिटरी की. तो ये हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल एक कंपनी में, कंपनी तो सीधे ही नहीं काम करती ना, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, वो काम करते हैं दूसरों के लिए, वो थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट करते हैं, राइट. तो उसी तरीके से डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, और उसके अंदर एजेंट्स काम करते हैं जो कि मेनली, जो मेनली काम करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है. तो एक फ्लो फ्लो में पूरा बता दिया मैंने कि क्या डिपॉजिटरी होते हैं और क्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं. नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरी के बारे में, कि जो ये डिपॉजिटरी है ये तो ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी, पहले बता दिया. अब इज एन एजेंसी विद हुम सिक्योरिटीज आर डिपॉजिटेड फॉर सेफ कीपिंग एंड हैंडलिंग दैम ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर ऑफ द सिक्योरिटीज. तो ये डिपॉजिटरी वो लोग हैं जिनके पास, ये वो एजेंसी है जिसके पास सिक्योरिटीज, हम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जमा कराते हैं, उनको होल्ड करने के लिए देते हैं. फॉर किस लिए? कि वो सेफ कीपिंग अच्छे से उसको सेफली रख सके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें. फिर आता है कि शेयर विच होल्ड्स बाय दी डिपॉजिटरी इज कॉल्ड डीमेट शेयर्स. डीमेट शेयर्स और डीमटेरियलाइज शेयर्स. जो शेयर्स ये डिपॉजिटरी होल्ड करते हैं, एक्चुअल में उसको डिपॉजिटरी की टर्म में क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं डीमेट शेयर्स या फिर डीमटेरियलाइज शेयर्स. ये क्या होते हैं? जब कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, मान लो कोई है, सिक्योरिटीज है, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? डीमटेरियलाइज हो जाएगा, ठीक है. तो उसी को कहते हैं डीमेट शेयर्स. मेन चीज तो यही है कि डिपॉजिटरी करते क्या है, डीमेट शेयर्स को होल्ड करता है, ठीक है. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नॉर्मली कौन, क्या क्या होते हैं, क्या क्या, कौन कौन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है? नॉर्मली बैंक्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर, ये क्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो नॉर्मली कोई भी नहीं आके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है. अब डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब कि इसके एजेंट, ये दोनों को ना सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है. जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं है
ना तो ये डिपॉजिटरी की तरह काम करेगा और ना ही इसके एजेंट की तरह काम कर पाएगा, दोनों ही रजिस्टर्ड होने चाहिए सेबी के थ्रू, मतलब पेनल्टीज भी अगर आप वैसे ही जाके काम कर रहे हो। देयर आर टू डिपॉजिटरीज फंक्शनिंग इन इंडिया, दो डिपॉजिटरी फंक्शन करते हैं इंडिया में, एक NSDL और एक CDSL। NSDL स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL स्टैंड्स फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। डीमटेरियलाइज, वैसे मैं पहले बता दिया फिर से बताती हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वैसे जितना भी बताया मैंने वो सारे ही पूछा जाता है पर ये स्पेशली अलग से पूछ लेगा डीमटेरियलाइज क्या है। इज द प्रोसेस बाय विच फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ एन इन्वेस्टर कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये पूरी एक डेफिनेशन मैंने कवर कर दी इस तरीके से और बहुत अच्छे इसको पूरा रट लिया अच्छे से, सो रटना क्या समझ में आ जाएगा। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल सर्टिफिकेट क्या, जिसको आप छू सकते हो ठीक है, पेपर फॉर्म में है किसी इन्वेस्टर का और उसको कन्वर्ट कर दिया गया नंबर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया डीमटेरियलाइज हो गया। अब इसी का उल्टा होता है रीमटेरियलाइज, मतलब कि साफ से समझ में आ रहा है जो इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था और उसको वापस फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर दिया तो वो रीमटेरियलाइज हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है इमोबाइलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ जाते हैं अक्सर, ये आ जाता है इसमें और डीमटेरियलाइज दोनों में डिफरेंस आ जाता है या फिर ये अलग से पूछ लेगा। ये क्या होता है, इज द प्रोसेस वेयर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आर केप्ट इन वॉल्ट, वॉल्ट लाइक लॉक कर दिया उसे ठीक है, प्राइवेटली उसको मतलब सेफली उसको रख दिया है ठीक है, लॉक करके रख दिया है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं आ जा सकता ठीक है, आप उसे भेज नहीं सकते ऐसी कहीं भी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट्स को वॉल्ट कर देते हो, लॉक कर देते हो विद दी डिपॉजिटरी फॉर सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी के चक्कर में आप उसको डिपॉजिटरी के पास लॉक करवा देते हो तो वो आपका इमोबाइलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। दिस मॉडल इज नॉट पॉपुलर एज इट इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, वैसे इतना पॉपुलर मॉडल नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स भी और एक्सपेंसिव भी है ठीक है, क्योंकि आप कहीं पर लॉक करवा रहे हो स्पेशली तो अच्छे से केयर करने के लिए तो आपको मतलब एक्सपेंस भी देने पड़ेंगे अच्छे खासे, तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। अगला पॉइंट आता है कंकरेंट ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, हाँ ये अच्छा टॉपिक, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक अच्छे से पहले बता देती हूँ कि कंकरेंट ऑडिट क्या होता है। पहले तो कंकरेंट ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड टाइमली एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑन अ रेगुलर बेसिस टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑथेंटिसिटी कंप्लायंस विद प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस। कंकरेंट ऑडिट क्या होता है, एक सिस्टमैटिकली पूरा एक टाइमली रेगुलर बेस पर एग्जामिनेशन है जितने भी जो भी जहां भी आप कंकरेंट ऑडिट करते हो, लाइक बैंक भी कंकरेंट ऑडिट करवाती है टाइमली बेसिस पे ताकि जो भी रिकॉर्ड्स हैं डेटा है अकाउंट्स हैं उन सब की एक्यूरेसी को पता किया, जैसे कि कितने एक्यूरेटली हैं कितने ही वो कंप्लायंस कर रहे हैं जो भी रूल्स रेगुलेशन है तो वो चीज़ें पता चल जाते हैं, इसलिए कंकरेंट ऑडिट कराया जाता है जो कि साथ में चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है ठीक है, तो ये कंकरेंट ऑडिट होता है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो हमने एजेंट के बारे में पढ़ा था डिपॉजिटरी का, तो उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का भी कंकरेंट ऑडिट होता है उसकी पूरी प्रोसीडिंग। अब ये जो मैं बताने जा रही हूँ चार्ट के थ्रू बता रही हूँ पॉइंट्स हैं वैसे बेसिकली इनको तोड़ तोड़ के, और ये पूरा याद करने लायक है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूरा एक क्वेश्चन ही आता है ये ठीक है, ऐसे पूछ लेगा कंकरेंट ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आपको पूरा बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि जो NSDL है जो मैंने अभी रेगुलेटरी बताया था आपको NSDL और CDSL, उसमें से एक NSDL है वाइड इट्स सर्क्यूलर हैज प्रोवाइडेड फॉर कंकरेंट ऑडिट ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो NSDL था उसने एक सर्क्यूलर भेजा जिसके थ्रू उसने बोला कि आपको ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है उसका कंकरेंट ऑडिट होना जरूरी है ठीक है। द सर्क्यूलर प्रोवाइड्स दैट द प्रोसेस ऑफ, जो वो सर्कुलर था उसमें क्या बातें लिखी थी कि प्रोसेस ऑफ डीमैट अकाउंट ओपनिंग एंड कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ
डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इज सब्जेक्ट टू कंकरेंट ऑडिट, कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों जो प्रोसेस हैं, ये कंकरेंट ऑडिट के अंडर आती हैं, आपको इन दोनों का कंकरेंट ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि थर्ड पॉइंट, टू कंडक्ट दी कंकरेंट ऑडिट, स्टेप वाइज ही करना है बिल्कुल ही, सबसे पहले कि किसने ये मतलब इम्प्लीमेंट करवाया और क्या चीज का कंकरेंट ऑडिट होना था, फिर उसके बाद टू कंडक्ट द कंकरेंट ऑडिट इट इज एडवाइज्ड टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू अपॉइंट सीए और सीएस, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर तो उन्होंने बोला कि आपको कंकरेंट ऑडिट करवाना है, किसको बोला, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बोला कि आपको सीए या सीएस के थ्रू ही आपको कंकरेंट ऑडिट कराना है। नाउ व्हाट ईदर ऑफ दीस डू, इन दोनों में से जो भी दोनों ये दोनों हैं, दैट इज कंकरेंट ऑडिटर, शुड क्या करवाना होगा इन्हें, वेरीफाई इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय द क्लाइंट एंड वेरीफाइड बाय ऑफिशियल ऑफ द पार्टिसिपेंट। क्या कह रहा है ये, इन दोनों ये सीए होगा या सीएस होगा, इन दोनों ही कंकरेंट ऑडिटर्स को क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा जो भी अकाउंट ओपनिंग हुई है, क्योंकि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करेंगे ना इन्वेस्टर्स के लिए, जितने भी आएंगे उन सबके लिए अकाउंट ओपन करेंगे, तो अकाउंट ओपनिंग हुई है और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसमें डिटेल होती है कस्टमर्स की, और फर्निश्ड बाय द क्लाइंट एंड वेरीफाइड बाय ऑफिशियल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, और जिन ऑफिशियल्स ने वेरीफाई किया है वो, तो सारे डिटेल्स को जो कंकरेंट ऑडिटर्स है वो चेक करेंगे। नाउ फिफ्थ स्टेप, कंकरेंट ऑडिटर शुड कंडक्ट द ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग अकाउंट्स ओपन सॉरी अकाउंट ओपन डीआईएस इश्यूड ड्यूरिंग द डे बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे। जो भी कंकरेंट ऑडिटर हैं उनको क्या करना होगा, कंडक्ट करना होगा ऑडिट किनके रिस्पेक्ट में, जो भी अकाउंट ओपन हुए हैं या डीआईएस इश्यू है। डीआईएस क्या होता है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स, ठीक है। तो ये भी ये जो है ये इश्यू हुए होंगे, ठीक है, इनमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं किस तरीके से आपको काम करना है, तो ये स्लिप भी इशू होगा, इन सब की रिगार्डिंग आपको क्या करना है, कंकरेंट ऑडिट करना है और ड्यूरिंग द डे बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे। नेक्स्ट वर्किंग डे से नेक्स्ट स्टेप आता है कि इन केस द ऑडिट शुड ऑडिट कुड नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द नेक्स्ट वर्किंग डे ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम, द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द ऑडिट इज कंप्लीट विद इन अ वीक टाइम। तो अगर नेक्स्ट वर्किंग डे में ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑडिट नहीं हो पाया उतने वॉल्यूम का, बिकॉज वो वॉल्यूम जो चेक हमें करना था, अकाउंट्स ओपन हुए, डीआईएस इशू हैं, वो सब लार्ज वॉल्यूम में थे, तो ऑडिटर को ये होता है कि आप वीक के अंदर, विद इन अ वीक आपको उसे कंप्लीट कर देना है। नाउ सेवन, एनी डेविएशन, अब वो जो काम कर रहा है, वो जो ऑडिट कर रहा है, उसे करने के बाद उसे कोई डेविएशन या कोई नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, तो शुड बी मेंशन इन दी ऑडिट रिपोर्ट। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट दिख रही है, इसमें उसको सारा मेंशन करना है कि ये डेविएशंस आए हैं, चेंजेस हैं, ये भी नॉन कंप्लायंस, यहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो किया गया, यहाँ गड़बड़ है, तो उसे ऑडिट रिपोर्ट में अपना दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या करेगी, ये देखो मैनेजमेंट आ गई, मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की जो मैनेजमेंट होगी, उसे कमेंट करना होगा ऑन दी ऑब्जर्वेशन ऑफ कंकरेंट, ये जो कंकरेंट ऑडिटर ने ऑब्जर्वेशन दी ऑडिट रिपोर्ट में, उसके ऊपर मैनेजमेंट को भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, जवाब देनी तो देनी पड़ेगी कि क्या चक्कर है, कि मतलब हमारे जो डिपॉजिटरीज है उनका काम अच्छे से किया नहीं किया, जो भी है कुछ तो मतलब बहानेबाजी बनाएंगे, तो उनकी कमेंट भी चाहिए होती है। अब नेक्स्ट स्टेप की जो कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट है, शुड बी सबमिटेड टू एनएसडीएल ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब क्योंकि कंकरेंट ऑडिट किसने इम्पोज करवाया था, एनएसडीएल ने, तो अंडरस्टूड है कि जो भी एंड में होगा, फोन आ गया था, तो जो भी कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट है वो एट द एंड किसके पास सबमिट होगी, वो क्वार्टरली बेसिस पे एनएसडीएल के पास आपको, ठीक है, सबमिट करनी है। लास्ट स्टेप, इफ ऑडिटर फॉर
internal and concurrent audit is same, कंसोलिडेट रिपोर्ट में बी सबमिटेड. अगर ऑडिटर चाहे इंटरनल के लिए और कंकरेंट के लिए दोनों ही सेम था, हमारा मतलब कंपनी में जो इंटरनल ऑडिटर है वो और जो हमने वैसे कंकरेंट के लिए रखा है दोनों ही सेम बंदे थे, तो आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं. तो ये था डिपॉजिटरी के ऊपर, पूरा अच्छे से मैंने बना दिया है और मुझे लगता है इतना करने के बाद आपका 80% पूरा कवर हो जाता है. बाकी कुछ छोटे मोटे टॉपिक है वो आप अलग से ना पढ़ लेना, पर जो मेन चीज़ें थी मैंने बता दी. थैंक यू.